दोस्तों सबसे पहले हम अपने प्याज लहसुन मिर्चा और जीरा को फ्राई कर रहे हैं। अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे। दोस्तों हमने गोभी यहाँ पे डाल दिया है और गोभी को अच्छे से हम भूंजेंगे। ये हम गोभी का भुजिया बना रहे हैं दोस्तों, तो और इसमें मसालेदार भी कर देंगे बाद में। तो पहले हम इसको भुजिया की तरह भूंज लेते हैं। इसमें हम हल्दी डाल देंगे, हल्दी और नमक डाल देंगे दोस्तों। हल्दी और नमक डालने के बाद इसको हम भूजेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक भी देंगे। यहाँ पे भूजे हैं, भूजते हुए तो तब तक भूजेंगे कि जब तक हल्दी सब में मिल नहीं जाए और एक अच्छा सा मतलब एक मतलब एक पानी ना छोड़ दे हल्दी मतलब नमक डालने के बाद। और इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम ढक देंगे और इसके बाद देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें हल्दी और मसाला डालने के बाद यहाँ पे भूजा तो उनकी तैयार हो गया दोस्तों। तो आपको बस यही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इसी तरह के रिलेटेड ब्लॉग देखने के लिए।